आप मुझे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सवाल पूछ सकते हो और मैं आपको ऐसी भाषा में समझाऊंगा कि आप उस सब्जेक्ट के मास्टर हो जाओ। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। आई एम अ डॉक्टर बाय डिग्री, अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। ये जो वर्ड डॉक्टर लगा है मेरे नाम के आगे, ये कॉस्मेटिक नहीं है। आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, आई परस्यू माय मेडिसिन। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं था, मेरे घर में अपेरेंट सरप्राइजिंगली कोई वकील भी नहीं था। आई कम फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली, ज़्यादातर मेरे फैमिली मेम्बर्स डिफेंस ऑफिसर्स है। फिर भी लेकिन मेरे मदर को बहुत इंटरेस्ट था, बहुत शौक था कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, तो कुछ वैसा ही था। और लकीली आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैंने प्री मेडिकल टेस्ट क्रैक किया, MBBS किया, मैं पढ़ सब कुछ रहा था, इन्जॉय एक वर्ड भी नहीं कर रहा था, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट फॉर एनी वन इन एनी करियर। तो मेडिकल प्रोफेशन में जो डिग्री का प्रोसेस है वही 5.5 साल ले लेता है। टिल 25th ईयर ऑफ माई लाइफ आई वॉज इन टू मेडिसिन ओनली कम्प्लीटली। मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, ओके, मुझे थियोरेटिकली बहुत कुछ पता था, तो मेरे सारे चेक बॉक्सेस ग्रीन थे, इट वॉज ऑल टिक्ड वेरी वेल ऑन पेपर, एब्सोल्यूटली परफेक्ट लाइफ चल रही थी। खलिश अंदर थी जिसको कोई नहीं देख पाया, ओके, और जिसको मैंने दिखाया भी नहीं। हिंदी मूवीज में ऐसा होता है कि डायरेक्टर एग्जैक्टली बता देता है कि जी इस मोमेंट पे मैंने किसी को देखा था और वहां से मैंने इंस्पायर हुआ था। किसी को पता नहीं चलता एक्चुअली कि वो सीड कहाँ से आता है, लेकिन I was always enamored, glamorized, मतलब it was unbelievable, ऐसे hero worship करता था। जब मैं सुनता था मिस्टर राम जेठमलानी के बारे में, जब मैं सुनता था नानी पालकीवाला सर के बारे में, जब मैं सुनता था बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, कि इन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट से, इन्होंने कोर्ट में अपने डिस्कशन से, अपने दलीलों से, अपने आर्ग्यूमेंट से इस देश का ही पूरा रूप रंग बदल दिया। जो सैड पार्ट था वो ये था कि मैं किसी भी डॉक्टर को रोल मॉडल बना ही नहीं पाया। तो जब मैं किसी डॉक्टर को रोल मॉडल ही नहीं बना पाया तो मैं ये समझ गया था ये मेरे दिल की आवाज है ही नहीं। दिस वॉज माई नॉर्थ स्टार, दिस वॉज माई मैग्नेट। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं वो करूँगा जो मेरा दिल ने आवाज दी, और वो थी लॉ प्रोफेशन। इनफैक्ट ये हमेशा से मेरे मन में था। एक्चुअली मैंने व्हाइट कोट पहना हुआ था, सपना मैं ब्लैक कोट का देख रहा था। इसके साथ एक जरूरी एलिमेंट ये था कि बाकी बहुत सारे चैलेंजेस के साथ मैं शादी कर चुका था, सो दैट शादी हैड ऑलरेडी हैपेंड। आई गॉट मैरिड बट माई वाइफ वॉज 100% श्योर कि डू व्हाट यू वांट टू डू, सो दैट इज व्हेन आई परस्यूड लॉ। I think on my honeymoon itself, he told me that although I'm a doctor, but वो फिर बताया उन्होंने कि मम्मा पापा की वजह से आई बिकेम अ डॉक्टर, बट माई हार्ट इज सम प्लेस एल्स। तो आई सेड अगर आप खुश नहीं हो तो यू शुड, इफ यू यू हैव सम अदर ड्रीम्स, सो व्हाई डोंट यू परस्यू इट। तो ही सेड कि बिकॉज अब आफ्टर मैरिज तो लाइक इन एन इंडियन फैमिली गाइस शुड बी लाइक, पता नहीं आई विल एबल टू डू इट और नॉट। तो मैंने कहा जस्ट कंसिडर इट एज इफ यू आर नॉट मैरिड, so then there will be no trouble na, just don't go with the tag of married boy and then you cannot pursue your dreams. Your dreams, I don't think so there is any age to pursue your dreams. If you can, you should. 25 साल की उम्र में मैंने सोच लिया था कि I'll take the plunge and that was the final call. उस profession को switch करना हिंदी मूवी जैसा नहीं होता। कोई भी profession को switch करने में बहुत सारा financial, सोशल, दैट सो कॉल्ड लॉजिस्टिक प्रेशर होता है। इट वॉज नॉट दैट ईजी बिकॉज आप एक ऐसे स्टेज पर होते हो, उम्र के ऐसे जगह पर होते हो जहाँ पर तुमसे एक्सपेक्टेड होता है कि तुम पैसे कमा रहे होंगे, तुम घर को सपोर्ट कर रहे होंगे। बिकॉज एज इट इज मैंने जो पहला प्रोफेशन किया था, जो डिग्री थी वो काफ़ी लंबी डिग्री होती है, सो उसके बाद देन यू से कि मैं और कुछ और करना स्टार्ट करूँगा, तो उसमें ऑब्वियसली डिमांड्स थे। पहला रिएक्शन ये था कि मेरा पूरा घर बेहोश हो गया, ओके, सब लोग गिर गए, सबको आंसू आ गए, बट ये झूठ होगा, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी फैमिली ने उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, नॉट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, स्पेशली आफ्टर आई हैड मैनेज MBBS। जब मैंने मेडिसिन, इंडिया का सबसे डिफिकल्ट ग्रेजुएशन होता है, वो होने के बाद आई थिंक आई हैड प्रूवन माई पॉइंट कि मैं अकेडमिकली ठीक हूँ, मैं एक जिम्मेदार स्टूडेंट हूँ। इट वॉज प्रैक्टिकली अ नॉन इवेंट इन माई हाउस,
द इवेंट हैपेंड इन माय इनसाइड माय इंटरनल लाइफ बिकॉज मुझे कुछ ऐसे जवाब खुद को देने थे कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं. सो इट वॉज अ बैटल बिटवीन मी एंड मी इंस्टेड ऑफ एनीबडी एल्स. अगर किसी की आंखों में सवाल उठे तो वो मेरे दोस्त थे जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स थे. उनको विश्वास ही नहीं हुआ, उनको लगा मैं अप्रैल फूल बना रहा हूँ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और उनको लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता. बिकॉज जिस जमाने में मैंने ये किया था उस जमाने में थ्री इडियट्स मूवी आई नहीं थी, तो किसी ने ये देखा नहीं था ऐसा होते हुए. उस समय मेरे स्टेक्स बहुत हाई हो गए थे क्योंकि लोगों की नज़र मुझ पर थी कि ऐसा इसको क्या दिख गया है कि एक बैठा बैठाया प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में जा रहा है. एंड इनफैक्ट यही सवाल मुझसे जब मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया तो भी मुझसे बहुतों ने पूछा कि ऐसा क्या दिख कर आप कोर्ट में आ गए हो जो हमें नहीं दिख रहा हो. एंड एट दैट टाइम मैंने अपने सर पर एक्चुअली पूरा स्पॉटलाइट ले लिया क्योंकि अब पूरी फैमिली पूरे दोस्त सर्कल एवरी वन वॉज लुकिंग कि अब देखते हैं क्या करता है. ये करियर चेंज करना एक मिनट का खेल नहीं होता, एक पूरा के पूरी दास्तान दोबारा से लिखी जाती है. अगर मैं वो जंप ना लेता तो कोई कहानी ही ना बनती. सो वो कहानी इसीलिए बनी क्योंकि मैंने रास्ता दूसरा चूज किया. जब मैंने लॉ पढ़ना स्टार्ट किया ट्रस्ट मी इट वॉज लाइक धोनी महेंद्र सिंह धोनी सेज कि बॉल मिडल ऑफ द बैट को टच करने लग गई थी. इट वॉज समथिंग दैट यू नो अपने आप ही नेचुरली मुझे रिजल्ट आने लगा, नेचुरली मुझे अच्छा लगने लगा. मुझे वो चीज़ें समझ में आने लग गई जो शायद मुझे समझने में एक नॉर्मल स्टूडेंट को 3 महीना लगता, मुझे कुछ हफ्तों में समझ में आने लगा. इट वॉज अनबिलीवेबल, इट वॉज सच एन अनकैनी फीलिंग कि ये हो क्या रहा है. इट वॉज लाइक समथिंग कि आपने किसी एक रास्ते को वापस पा लिया, आप भटक गए थे और देन यू कम बैक. थकावट नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई. सी जब आप कॉलेज में 12th class के बाद जाते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड भी यही होता है कि आपका एक सो कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस हो, थोड़ा आप घूम भी लो, थोड़ा कैंटीन भी हो जाए, थोड़ा मूवीज भी देख लो. बट मेरा वो फेज जा चुका था. अब मुझे पढ़ना भी था बट टू मेक एन इम्पैक्ट अब टाइम नहीं था. अब मेरे पास एक क्षण खोने को नहीं था. मैं अलग अलग जगह की बुक्स लाने लगा, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस को पढ़ना स्टार्ट हुआ ऑफ द सेम थिंग. तो अब मुझे सुबह अगर मैं पढ़ भी रहा हूँ तो मुझे ये था कि मुझे उसको शाम को अप्लाई करना है बिकॉज अब ये प्रोफेशनल इन द ट्रूएस्ट सेंस हो गया था. सो मैंने बहुत सारी स्पीड अप प्रोसेसेस किए. जब बाकी आसपास के एज ग्रुप वाले एक दूसरे से बातें कर रहे होते थे मैं कोर्ट रूम में जाके ऑब्जर्व करता था कि कैसे प्रोसीडिंग्स होती है. इनफैक्ट मेरे पास आज भी उन दिनों के हैंड रिटन नोट्स थे. फिर मैं पूछता था वहाँ के क्लर्क से, जो क्लर्क्स होते हैं उनको कोर्ट का सब प्रोसेस पता होता है क्योंकि वो कई सालों से वहाँ काम कर रहे होते हैं. ये हर चीज़ को आप टेक्निकल भाषा में नहीं समझ पाते. जब कोई प्लेन भाषा में आपको समझा देता है तो वो आपके माइंड में छप जाता है. तो वो मुझे उसी भाषा में समझा देते थे कि वकील साहब ऐसे करते हैं, फिर अगला स्टेप ये होता है, फिर अगला स्टेप ये होता है और फिर काम हो जाता है. और फिर मैं घर आके उसी को टेक्निकल रीडिंग करता था तो दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती थी. और वो शायद मेरे टीचिंग में भी आ गया कि मैं सबको बोलता हूँ आप पढ़ो टेक्निकल भाषा में लेकिन समझो बोलचाल की भाषा. तो हिंदी की चिंता मत करना, इंग्लिश की चिंता मत करना, भाषा इज अ मींस टू अ कम्युनिकेशन. मैं तुम्हें दोनों ही टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, दोनों ही तरीके से पढ़ाऊंगा, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो. LLB कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, कहानी तो उसके बाद शुरू होती है. लॉ इज अ डिमांडिंग मिस्ट्रेस एंड इट्स अ वेरी जेलस मिस्ट्रेस. वो आपको बैठने नहीं देगी, वो आपको कहीं और ध्यान नहीं देने देगी. वो आपको यही बोलेगी कि जितना पढ़ा है और जानो, जितना समझा है और समझो. इट इज एन अनएंडिंग परस्यूट. सो द ग्रेटेस्ट ऑफ द लॉयर्स अपनी ह्यूमिलिटी में बोलते हैं वी डोंट नो इवन अ ड्रॉप ऑफ दिस ओशन. हमें तो ड्रॉप भी नहीं समझ आता. देयर इज नो एंड टू दिस प्रोफेशन एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन. उन दिनों से लेकर मैंने कम से कम अगले 5-7 साल कभी कोई छुट्टी नहीं ली. देर वॉज नो ब्रेक, देर वॉज नो दिवाली, देर वॉज नो दशहरा, देर वॉज नो क्रिसमस, देर वॉज नो ईद, नथिंग. आई रियली वर्कड हार्ड, आई स्लॉग्ड, बट वो स्लॉगिंग को मैं दुख के निगाह से नहीं देखता. आई वॉज फ्लाइंग
ओके, इट वॉज नो लॉन्गर एन अपहिल वॉक. अपहिल मैं पहाड़ पे चढ़ नहीं रहा था, मैं फ्लाई कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. तो मैं इस बात को अब मैं सर्टिफाई कर सकता हूँ कि अगर आप अपने मन की बात करो और आप अच्छे से करो, शिद्दत से करो, सो उसके बाद आपको गॉड रिवॉर्ड देते हैं. सो मैं बहुत जल्दी सोलो चला गया था, बहुत जल्दी मैंने इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी. मेरा पहला केस वाज अ केस अगेंस्ट सीबीआई. सो सीबीआई का एक क्रिमिनल मैटर था, आई रिमेम्बर दैट केस. और मैं बड़े प्राउडली और बहुत सैडली एंड बहुत हैप्पीली वो मैंने आर्ग्यू कर लिया था और मेरा केस मैं हार भी गया था. दैट्स अ पार्ट ऑफ बींग अ लॉयर, बट आई डिड माई बेस्ट. एंड अच्छा बात यह थी कि मेरे क्लाइंट को भी ये पता चल गया था कि ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ही स्टिल माई क्लाइंट. ये भी इस प्रोफेशन में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि द वर्ड ऑफ माउथ इज द ओनली सर्टिफिकेट. ओके, आप खुद के पीठ थपथपा नहीं सकते, आप वर्ड ऑफ माउथ ही होता है. चाहे आप जीतो चाहे हारो, आपके क्लाइंट को पता हो जाता है कि इसने मेहनत की है, इज ही केपेबल और नॉट. मेरे फर्स्ट केस का लर्निंग, थैंकफुली आप पूछ रहे हैं, ये सवाल मुझसे बहुत कम लोगों ने पूछा है. उस दिन मैं ये समझ गया था कि किताबी दुनिया में और सच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. तो मैं समझ गया था कि मैं जो आर्ग्यू करके आया था वो मेरी सेटिस्फैक्शन थी, नेसेसरली गुड इनफ नहीं था. The biggest case which got me popularity was a Makoka case. Makoka, for those people who are not aware, is Maharashtra Control of Organized Criminal Activities Act. ये एक ऐसा law है which is a very stringent law, बड़ा strict law बनाया गया for organized crime. And Makoka is a very strict law. इस case में the chances of even getting a bail, जमानत के भी chances बहुत कम होते. So 2010 मेरे पास एक ऐसा केस आया विच वॉज प्रैक्टिकली ओपन एंड शट केस अगेंस्ट अस, इन द सेंस कि हम जीत ही नहीं सकते थे. बट आई वॉज सक्सेसफुली एबल टू आर्ग्यू दैट मैटर. बेल तो बहुत दूर की बात है, वो मैटर वॉज थ्रोन आउट इन अ वे. एंड दैट वॉज ऑल्सो केस अगेंस्ट अ क्राइम ब्रांच विच इज़ अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो वहाँ से ये मामला इस तरह से आ गया कि ही इज़ अ लॉयर हु कैन होल्ड हिज ओन. और वहाँ से मुझे थोड़ा मीडिया कवरेज मिला, एवरीथिंग हैपेंड. फाइनली ऐसा लगा आई हैव अराइव्ड. बहुत बहुत ज़रूरी होती है इस तरह की वैलिडेशन, प्रोफेशनल वैलिडेशन. मुझे क्या लगता है मेरे बारे में और एक्चुअली मैं क्या साबित कर पाया, और आज लोग बोलने लग गए, वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीलिंग. सो आई रिमेंबर दैट डे वेन दैट थिंग केम इन द न्यूज़पेपर, राइट? एंड माई फादर वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. वो मेमोरी मेरे लिए हमेशा के लिए एक परमानेंट मेमोरी हो गई. इट इज़ एच्ड इन माई माइंड बिकॉज आई सैट इन फ्रंट ऑफ माई फादर हु हैड द राइट, एंड आई डोंट वॉन्ट टू से दैट, उनका हक था उस दिन में मुझसे ये सवाल पूछना कि बेटा मैंने तो तेरे लिए यू नो एज अ डॉक्टर सोचा था. बट हैट्स ऑफ टू माई फादर, ही नेवर वंस बैटेड एन आईलिड. एज अ गुड फादर ही डिड वॉट ही डिड. एज अ गुड सन आई थॉट कि I had to give them an answer. So in fact, I asked him, okay, I said, Papa, you know, today my name is in the newspaper, but as an advocate, so how do you want to say? So he said, and that is what I want to say, share this with everyone, ki har parent ne ye karna chahiye. He actually said, beta, mujhe malum tha ki tu theek hi karega. So that actually, you know, that memory, that was etched, and that is still etched in my memory. And the unfortunate part was that I lost him a few days after that event happened. In a way, it was a very major personal loss. But kabhi-kabhi aisa lagta hai ki God gave me an opportunity. I mean, just a few days before he was about to leave the planet Earth, that's what we say, you know. But at least his son was able to give him, if in whatever less measure, the satisfaction that his son is placed where he wanted to be placed, professionally at least. वाइल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, राइट, वो इट्स नॉट वर्ड्स, एंड दैट इज़ वाई आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज इट्स मोर इन द हार्ट एंड इट्स मोर इन इमोशंस देन इन वर्ड्स. फॉर अ फादर टू अ सन, जो मुझे गिफ्ट मिला था, द फेथ जो मुझे मिला था, इट वॉज माई ड्यूटी दैट आई रीपे दैट इन वॉट एवर लेस मेजर. सी, दिस इज वॉट love is all about. Love is not about taking. Love is about giving.
माय फादर गेव ऑल द फ्रीडम टू मी, ऑल द फ्रीडम, ओके कर लो। तो जब आप उस तरह की फ्रीडम देते हो, उस तरह की आज़ादी देते हो, जो बच्चा होता है वो भी भटकता नहीं है, वो भी लगे रहते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर दैट काइंड ऑफ यू नो सपोर्ट और वट एवर दैट वर्ड भी, बट इट्स एन अनबिलीवेबल थॉट। एजुकेशन एक्चुअली लॉ के साथ पैरेलली स्टार्ट हो गया था राइट एट दैट स्टेज इटसेल्फ, बिकॉज इनिशियली मनी वॉज स्केर्स। फैक्चुअली ये तब स्टार्ट हो गया था कि मुझे मनी की इशू आने लग गया था व्हाइल आई वाज परस्यूइंग द एलएलबीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं पार्ट टाइम थोड़ा बहुत पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था जस्ट टू मेक श्योर कि वो स्केर्सिटी ऑफ मनी ना हो। बट देन व्हाइल आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ राइट, मुझे ये भी रियलाइज होने लगा कि दैट आई वॉज अ गुड टीचर ऑल्सो, और मैं पढ़ाता कॉन्स्टिट्यूशन ही था, सो इट वॉज नॉट दैट आई हैड टू वर्क समवेयर एल्स। देन आई रियलाइज अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट हैपनिंग इन माई लाइफ, एंड दैट वॉज कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा था आई वॉज बिकमिंग अ बेटर लॉयर, इट वॉज फीडिंग इट इन टू इट सेल्फ, बिकॉज वेन आई एम टीचिंग मैं टेक्निकल भाषा में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको इतना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, नॉट ट्रिवियलाइज, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि वो मुझे ही मेरे ही टेक्निकल सब्जेक्ट को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका दे रहा है। सो टीचिंग समबडी जिसको कुछ नहीं पता था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मैं इतनी सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग 100 times बेटर हो रही थी, विच वॉज नॉट पॉसिबल जस्ट बाई रीडिंग बुक्स। दिस वॉज अ गेम चेंजिंग मोमेंट, एंड नथिंग कैन हैपन बेटर देन दिस। आई कैन टीच, आई कैन अर्न, and I can become a better lawyer at the same time. And also, I am in touch with those curious, intelligent, sharp minds who are obviously UPSC aspirants, who can ask me more number of questions than I can think of. So, unke sawalon ke jawab dene mein mujhe bahut sare aise jawab mil gaye jo maine khud hi nahi dhoonde the. So, that made me a better educator, which made me a better lawyer. And as I was becoming a better lawyer, I was becoming a better educator. So it was a positive feedback system functioning. So I was just watching YouTube at one stage, aur wahan par Roman Seni, who is the one of the founders of an academy, was teaching. And the way he was teaching resonated with my way of teaching. It's like, you know, remove the rough edges and start, just attack the brain and get the concept inside. And interesting was, कि उस वीडियो में रोमन सैनी का फेस नहीं था, ही वॉज जस्ट टीचिंग ऑन द बोर्ड और वट एवर मीडियम। सो मैंने गौरव को उसी टाइम रिप्लाई किया एज अ कॉन्ग्रेचुलेटरी रिप्लाई दैट यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये क्या हो रहा है, दिस इज लाइक अमेजिंग थिंग व्हिच इज हैपनिंग। एंड अनबिलीवेबली गौरव रिप्लाइड बैक एंड ही सेड सर कैन यू प्लीज जॉइन अस। स्टार्टेड वहीं से मेरी डिस्कशन विद रोमन and I made a couple of videos for an academy. 2016 I had joined an academy in very short capacity. Maine kuch videos banaye the. 2019 Roman Seni calls me up again, all right, and says, Siddharth, we are launching the plus classes and all, would you be happy to join us because I like the way you teach. That's where the story started. So 2019 onwards I've been teaching on plus classes. Meri class mein itna interaction ho jata tha कि और वो भी बड़ा पॉजिटिव इंटरेक्शन बिकॉज एवरीबडी इज एडिंग टू द स्टोरी, और इसीलिए बहुत जल्दी मेरे फॉलोअर्स ऑन अन अकेडमी बहुत ज़्यादा राइज कर गए। 40 crore मिनट्स आई हैव बीन वॉच्ड ऑन, विच इज आई थिंक सेवरल लाइफ टाइम्स आई हैव बीन वॉच्ड, एंड आई गॉट टन्स एंड टन्स ऑफ लव, प्रॉब्ली बिकॉज हम लोग कनेक्ट कर गए। पिछले 4 साल से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं किसी एयरपोर्ट से गुजरा हूँ और मुझे CISF जो वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं उनमें से किसी ने मुझे पहचाना ना हो और मुझे ये ना बोलो आप वही हो ना सिद्धार्थ सर जो YouTube पर हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ाते हैं, या वो प्लस क्लासेस में हम आपके क्लासेस देखते हैं। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि आज हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं जिनको शायद हम कभी ना मिल पाते। मैं ऑफलाइन क्लास में जाता तो कितने लोगों को पढ़ा पाता। आई थिंक वी आर रीचिंग करोड़ स्टूडेंट। इमेजिन कि अगर मैं उनमें से कुछ जिंदगियों को भी मैं टच कर पाया तो आई थिंक आई हैव डन माय जॉब। इनके जो आसपास के
लॉयर्स भी थे. इनफैक्ट वो कभी कभी केस समझने के लिए, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर ही वाज ऑलवेज रिकॉग्नाइज दैट ही इज़ अ डॉक्टर एंड ऑल, तो वो इनसे अपने केस डिस्कशन उसको समझने के लिए आते थे, समटाइम्स एट होम ऑल्सो. यू नो वंस आई जस्ट सेड मजाक में से, क्योंकि अगर मेरे स्कूल डेज या मेरे एजुकेशनल टाइम में आप जैसा कोई टीचर मिल जाता ना, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स अलग होते, क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमारे अलग होते. मैं जब उनको सबसे पहली बार मिला था, मेरे को तभी लगा था कि ही इज़ एन ऑलराउंडर. मेरे को ये एकेडमिक और चीज़ें बाद में पता लगी, बट उनके जब मैंने उनको कोर्ट्स में देखा और उनसे जब मैं इंटरेक्ट करता था, तो मेरे को समझ आता था कि उनको हर चीज़ में एक अच्छे लेवल पे और एक बहुत ही सॉर्टेड वे में नॉलेज है. एंड जब मेरे को उनके एकेडमिक्स के बारे में पता लगा, फिर तो आई वॉज स्टंट. माई फादर मस्ट बी very happy at this time ki in whatever little capacity through education I am adding to nation building, kyunki yahi bhavishya hai, yahi administration, kal yahi district magistrates banenge, yahi superintendents banenge, yahi secretaries banenge. My closing statement is main zindagi ka saath nibhata chala gaya, har fikr ko dhuaon mein udata chala gaya. So I did whatever I felt like and God was kind ki unhone mujhe har jagah par barkat di, har jagah pe success diya. And I think I made my life into a useful life.